اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد हज़रात नाज़रीन और सामईन सलामुन अलैकुम। मैं आपका मेज़बान ज़ाहिर हुसैन रिज़वी शिया चैनल रायबरेली से आपके सामने हाजिर हूँ। हज़रात, आज इंटरनेशनल जश्न अबू तालिब के उनवान से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये जश्न कोशिश ग्रुप ऑफ रांची की तरफ से कराया जा रहा है। यकीनन रांची का ये कोशिश ग्रुप और रांची के मोमिनीन लायक मुबारकबाद हैं कि उन्होंने एक अजीम शान जश्न का इनेकाद किया है। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा, लंदन तक के शुराए कराम और बैनुल अक्वामी शुराए कराम जो कि कामयाब महफिल की सनद होते हैं, कामयाब महफिल की जमानत होते हैं, ऐसे बेहतरीन शुराए कराम का गुलदस्ता कोशिश ग्रुप की तरफ से सजाया गया है, जिसमें अहम किरदार निभाया है जनाब अमूद अब्बास साहब रांची ने। वो भी लायक मुबारकबाद हैं और उनकी टीम भी। आइए हजरात, मैं आज आपको ये बताता चलूं कि आज के जश्न में कौन कौन से मेहमान शुराए कराम और उलमाए कराम हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। और ये भी आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम शिया चैनल रायबरेली के यूट्यूब चैनल पर भी टेलीकास्ट किया जा रहा है और कायम टीवी कनाडा, जो कि हमारा मीडिया पार्टनर है कनाडा में कायम टीवी, उस पर भी ये प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जा रहा है। आप हजरात जो भी इस वक्त नाजरीन, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, वो हमारे शिया चैनल पर भी देख सकते हैं और कायम टीवी कनाडा पर भी, यूट्यूब के चैनल पर भी और टीवी पर भी इसको देख सकते हैं। हजरात, आज के जश्न में हमारे साथ मौजूद हैं तकरीर करने के लिए हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन मौलाना तहजीबुल हसन रिज़वी साहब, इमाम जुमा व जमात रांची झारखंड। इस जश्न में उनकी तकरीर होगी और उसके बाद मंजूम नजराने अकीदत का शुरुआत होगी इंशाअल्लाह। उसमें बैनुल अक्वामी शोराए कराम अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करेंगे बारगाह अबू तालिब में, बारगाह मोहसिन इस्लाम में। डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, जनाब
जफर अब्बास इरफान साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करेंगे। जनाब इफ्तखार मेहंदी रिजवी साहब कनाडा से हमारे साथ मौजूद होंगे, और जनाब शमीम इलाहाबादी साहब शायर अहले बैत जनाब शमीम इलाहाबादी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब आज़ादार आज़मी साहब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद होंगे, अपना कलाम पेश करेंगे। और जनाब सलीम बलरामपुरी साहब शायर अहले बैत बेहतरीन आवाज़ के मालिक, इंशाल्लाह वो भी अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करेंगे। जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब और जनाब जना जफराबादी साहब मंजूम नजराने अकीदत पेश करेंगे आपके सामने इंशाल्लाह। ये बेहतरीन गुलदस्ता शोराए कराम का, जो कि बैनुल अक्वामी शोराए कराम हैं, जो कि कामयाब महफिल की जमानत हुआ करते हैं, आज इंशाल्लाह इस महफिल में अभी आप समाप्त करेंगे। आइए हजरात, मैं ज़्यादा आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता, आपको ले चलता हूँ रांची की सरजमीन से। इमाम जुमा व जमात रांची झारखंड मौलाना तहजीबुल हसन रिजवी साहब की खिदमत में, और उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस जश्न का, इंटरनेशनल जश्न अबू तालिब जो कि मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में रखा गया है कोशिश ग्रुप की तरफ से, उसका आगाज़ करें तिलावत कुरान पाक से और आज की मुनासिबत से तकरीर भी फरमाएं। मैं मौलाना तहजीबुल हसन रिजवी साहब की खिदमत में चलता हूं, जो कि रांची से अपने घर से मौजूद हैं हमारे साथ। आइए हजरात, उनका इस्तकबाल एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम। औज़ु बिल्लाहि समिअल अलीम मिनश शयातानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع صنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا ومقتدانا وكل غالب علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في كتابه المبين إن दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। नाज़रीन कराम, जश्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम और विलादत मासूम कुम के मुबारक और मसूद मौके पर मैं तमाम मोमिनीन और नाज़रीन की खिदमत में तबरीक व तहनियत पेश करता हूँ। इसी के साथ हज़रत इमाम ज़माना जल्लाह ताला की खिदमत में भी उनके जद्द माजदा और जद हज़रत अबू तालिब की विलादत की तबरीक व तहनियत पेश करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ात मोहसिन इस्लाम हज़रत अबू तालिब उस ज़ात का नाम है कि जिसके सिलसिले में पूरी किताबें पूरी तारीख़ भरी हुई है, और नबी आज़म ने अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी का शुक्रिया अदा किया है तो उस ज़ात का नाम जनाब अबू तालिब है। वो अबू तालिब जो सैयदुल बतहा है, वो अबू तालिब जो मोहसिन इस्लाम है, वो अबू तालिब जो कुल ईमान का बाप है, वो अबू तालिब जिसने खाने काबा में सक्कायत का काम अंजाम दिया, आने वाले हुज्जाज के लिए सक्का बने और लोगों को पानी तक पिलाया। आज उसी अबू तालिब के ऊपर फर्जंदान तौहीद की तरफ से एक बेबुनियाद इल्ज़ाम कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जो ख़ुद अपने आगोश में बानिए कलमा को पाल रहा हो, वो कैसे हो सकता है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी दलील जनाब अबू तालिब पे मुस्तनद रवायतों के मुताबिक, तारीख़ आलम इस्लाम के मुताबिक, कि वो अबू तालिब ऐज़ान गिरामी के जब रसूल आज़म को कोई दावत देता था, कुफ़ार दावत देते थे, तो रसूल ये साफ़ कह देते थे कि हम तुम्हारे यहाँ का ज़बीहा नोश नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का गोश्त नोश नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे यहाँ गैर ज़बीहा होता है, हमारे यहाँ ज़बीहा होता है। मगर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास न जाने कितनी मरतबा अज़ीज़ान गिरामी रसूल इस्लाम ने नोश किया, मगर एक मरतबा भी ये न कहा कि अबू तालिब मैं आपके यहाँ का ये गोश्त नोश न करूँगा, इसलिए गैर ज़बीहा है। ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर अबू तालिब
अलैहिस्सलाम ना होते तो मोहम्मद अरबी का कोई मुहाफिज ना बन के उभरता। आज अगर आलम इस्लाम में इस्लाम बाकी है, आलम इस्लाम में दीन शरीयत बाकी है, तो इसमें सबसे बड़ा किरदार अगर है तो उस ज़ात का नाम जनाब अबू तालिब है। अबू तालिब के बग़ैर न रिसालत समझ में आ सकती है, न इमामत समझ में आ सकती है, न इस्मत समझ में आ सकती है। अगर जनाब अबू तालिब को मुसलमान फरामोश कर देगा तो ये याद रखो कि अबू तालिब से दूर होने का नतीजा ये होगा कि हमें न सूरत ही मिलेगी, न हमें सीरत ही मिलेगी, यानी इस्लाम की दोनों तारीखों से हम दूर हो जाएंगे। आइए आज हम मिल करके पूरे आलम इस्लाम में जश्न मोहसिन इस्लाम मना रहे हैं, जनाब अबू तालिब का जश्न मना रहे हैं। तारीख़ आलम इस्लाम को यह बताया जाता है कि देखो अबू तालिब किसी एक ज़ात का नाम नहीं है, एक ख़ानदान का नाम नहीं है, एक कबीले का नाम नहीं है। इस्लाम के दावत का सबसे बड़ा जो इज़ान गिरामी अमल अंजाम दिया है उस ज़ात का नाम जनाब हज़रत अबू तालिब है। तारीख़ आलम इस्लाम में ज़ुलशीरा का वाक़िया बहुत मशहूर है कि जब रसूल इस्लाम को हुक्म दिया गया कि अपने अक्रबीन को बुलाओ तो उन्होंने पहला मशवरा किसी और से नहीं किया, जनाब अबू तालिब से किया। जनाब अबू तालिब ने आवाज़ दी, ऐ मोहम्मद जो हुक्म परवरदिगार है उसे तुम अंजाम दो और यकीनन हम तुम्हें इसमें हर मुमकिन मदद करेंगे। आपने देखा अक्रबीन को बुलाया गया, इस दावत का अहतमाम अबू तालिब ने अपने जाने गिरामी आंगन में करके अली से दावतनामा भेज के लोगों को बुला करके आलम इस्लाम को एक पैगाम देने का काम किया। कोई आदमी अगर काफिर होता है तो वो अपने घर से इस्लाम का प्रचार नहीं करता। अबू तालिब ने इस्लाम का प्रचार करके ज़माने को ये बता दिया कि जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं वो खुद काफिर हो सकते हैं, अबू तालिब काफिर नहीं है। इसलिए कैजान गिरामी आपने देखा है कि हम किसी कुफार मुशरिकीन के जनाजे में ज़रूर जाते हैं मगर हम वो कांधा नहीं देते। आपने देखा मगर अल्लाह अल्लाह क्या कहना उस नबी का, वो नबी आज़म ने जनाब अबू तालिब के जनाजे को भी कांधा दिया, दफन भी कराया। और अज़ीज़ान गिरामी आपने देखा कब्र की मंजिल तक भी गए, कब्र में उतरे, उतरने के बाद नबी आज़म ने फरमाया ऐ परवरदगार गवाह रहना इस ज़मीन पर मेरा मेहस्म मोहसिन आ रहा है, इस पर अपनी रहमत नाजिल करना। तो अल्लाह का नबी गैरों के लिए सिर्फ रहमत की बात नहीं करता, अपनों के लिए भी रहमत की बात कर रहा है। रहमतुल आलमीन ये बात सही है मगर कब्र में उतरना और गवाह बनाना और फिर वो तारीख तमाम आलम इस्लाम को मालूम है कि नबी जिस जगह कदम रख देता है वहां पे अजाब इलाही नहीं आता। तो जिस कब्र में अबू तालिब उतर गए हों वहां रसूल उतर गए हों और अबू तालिब को उसी कब्र में लिटाया हो वहां पर कहां अजाब इलाही आ सकता। तो आज हम मोहसिन इस्लाम कि विलादत बासआदत के मुबारक मौके पर हम आलम इस्लाम से गुजारिश करना चाहते हैं, अबू तालिब को मानिए मत, कम से कम अबू तालिब को पढ़िए और अबू तालिब को समझिए। अबू तालिब को जब आप पढ़िएगा और समझिएगा तो आपको सही मानों में सीरत नबी सही तरीके से मालूम हो जाएगी। नाजरीन ये दौर इख्तलाफ का नहीं है, ये दौर इत्तेहाद का है, ये दौर निफाक का नहीं है, ये दौर मोहब्बत का है, ये दौर आपस में बेजारी या दूरी का नहीं है बल्कि एक दूसरे से करीब होने का वक्त है। लिहाजा आओ मिलके जश्न अबू तालिब बनाते हैं। इसी के साथ साथ विलादत मासूम कौम जो इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम की बहन हैं, जो करीमा हैं, इनके बहुत से मौजज़ात हैं, इन्होंने भी ऐज़ान गिरामी बे इंतहा लोगों की मदद की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मासूम कौम के रोज़े से आज पूरी दुनिया फैज़याब हो रही है। आज सारा ज़माना मासूम कौम के दरबार पे जा कर के अपनों के लिए, मुल्क के लिए, दुनिया के लिए दुआएं करता है, वो दुआएं इंशाल्लाह पूरी होती। लिहाजा मासूम कौम की तारीख भी बहुत अजीम है। उस करीमा का क्या कहना कि जहाँ पे हौजात इल्मिया के तुल्लाबों का बयान है कि अगर कोई कुंद जहन होता है मासूमा के ज़रिए से जाके मस हो जाता है, दुआएँ करता है तो खुदा उसके जहन को कुशादा कर देता है। और दीगर मराज अज़ाम उलमाए किराम का बयान है कि हमें अपने घरों में सुकून नहीं मिलता जितना सुकून ज़रीह मासूम कुम में आने के बाद मिलता। मैंने भी अपनी निगाहों से देखा है उस दयार को, मैंने भी देखा है उस दयार को, अक्सर जाने का मुझे भी मौका मिला तो मैंने देखा कि बड़े से बड़े बुजुर्ग उलमा मुज्तहदीन जो हैं वो किसी और जगह अपने दफन होने की ख्वाहिश नहीं करते बल्कि उसी दयारे मासूम कुम में करते हैं। यानी उनका भी ये ख्याल ये है, ये बताना चाहते हैं कि जिंदगी भर
अगर मैंने आप से राबता रखा है तो ऐसा कैसे हो कि मरने के बाद राबता टूट जाए। लिहाजा हमें उसी जगह मकाम मिल जाए जहां मासूम कुम का करीमा का इज़ान गिरामी फैज नाजिल होता है। लिहाजा मैं आलम इस्लाम से सिर्फ आज के इस रायबरेली शिया चैनल के जरिए से जश्न अबू तालिब नश्र हो रहा है, इसमें शोराए किराम जो हिंदुस्तान के मायानाश शोरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, दस्तयाब हो पाते हैं, आज उन्होंने अपना वक्त दिया है सिर्फ इसलिए कि जनाब अबू तालिब उस ज़ात का नाम है जो मोहसिन इस्लाम है। तो जो मोहसिन इस्लाम है तो हमारा भी मोहसिन है, हमारे दीन का मोहसिन है, हमारे कुरान का मोहसिन है, हमारी शरीयत का मोहसिन है। तो उस मोहसिन का सिर्फ शुक्रिया अदा करने के बुनियाद पर ये शोरा कराम आपके सामने आएंगे और आकर के कलाम पेश करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि इस जश्न के बानी जनाब अमूद अब्बास साहब की अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। और इसी के साथ साथ मैं शिया रायबरेली के चैनल के प्रोपराइटर जनाब ज़ाहिर हुसैन साहब के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह भी उन्हें और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, इस चैनल को तरक्की अता फरमाए। आइए मोमिनीन, अब आपके सामने मैं ज़्यादा देर तक हायल होना नहीं चाहता, अब शोरा की बारी है, वो शोरा जो मुल्क और बैरून मुल्क से आज इस जश्न में शरीक हो रहे हैं। आप इंशाअल्लाह इनके कलाम से मुस्तफीद हों और मैं शोराए किराम का भी अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, कोशिश ग्रुप की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुसल्लियान मस्जिद जाफरिया रांची की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने वक्तों में बहुत कीमती वक्त निकाल के इस जश्न में शिरकत कर रहे हैं। खुदा उन तमाम लोगों की तौफीकात में इजाफा फरमाए और उम्र दराज करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह जज़ाकअल्लाह। ये थे मौलाना तहज़ीबुल हसन रिज़वी साहब जो कि रांची झारखंड से हमारे साथ मौजूद थे और आज की मुनासिबत से तकरीर फरमा रहे थे और आप हजरात महज़ूज़ हो रहे थे, फ़ज़ाइले आले मोहम्मद फ़ज़ाइले जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बयान कर रहे थे। और आइए हजरात बाकायदा तौर से मौलाना की तकरीर से और तिलावत कुरान पाक से इस जश्न का इनेकाद हो चुका है। मैं एक मतला दो शेर से मंजूब नजराने अकीदत की शुरुआत करने जा रहा हूँ और आपके सामने शोराए कराम को पेश करूँगा इंशाअल्लाह। कि सजी है महफिले मिदहत मेरे अली के लिए, सजी है महफिले मिदहत मेरे अली के लिए, बड़ा हसीन वजीफा है जिंदगी के लिए, और ये शाने मिदहते मौला है ताहदे महशर, न सोचना कि ये लम्हे हैं आज ही के लिए, और मेरा ये जागना सोना है सब अली के लिए, मेरा ये जागना सोना है सब अली के लिए, न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए, न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए। आइए हजरात इन्हीं मिस्रों के साथ मैं अपनी फहरिस्त के पहले शायर जनाब जिना जफराबादी साहब की खिदमत में चलता हूं जो कि अपने घर से मौजूद है हमारे साथ, और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आज की महफिल में मंजूम नजराने अकीदत का सिलसिला पेश करें। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से जनाब जिना जफराबादी साहब का इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। हज़रात मोमिनीन सलामुन अलैकुम, मैं जिना जफराबादी आज आपके चैनल पर जश्न अबू तालिब में पढ़ने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमोद भाई का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा अपने चैनल पर पढ़ने का मौका दिया। चंद अशार पेश करने से पहले मतला एक शेर एक मतलब एक शेर समाप्त फरमाए जनाब अबू तालिब की शान में। नुसरत में बहाने के लिए खून बहुत है, नुसरत में बहाने के लिए खून बहुत है, मद है अबू तालिब में ये मजमून बहुत है, मद है अबू तालिब में ये मजमून बहुत है, और काफिर उन्हें कहता है अगर कोई तो कहिए,
काफिर उन्हें कहता है अगर कोई तो कहिए, अरे इस्लाम तो इस कुफर का ममनून बहुत है, इस्लाम तो इस कुफर का ममनून बहुत है। और मनकबत के चंद अशार अमोद भाई और जो हजरात भी सुन रहे होंगे, बतौर खास सुनिएगा। मिसरा था जहाँ में है जलवाए मोहम्मद, चराग हशमत बुझा नहीं है। चंद अशार पेश करता हूँ, समाज फरमाए। जो राहे हक की तलाश में है उसे ये शायद पता नहीं है, जो राहे हक की तलाश में है उसे ये शायद पता नहीं है कि वो ना मंजिल को पा सकेगा अगर कोई रहे नुमा नहीं है, कि वो ना मंजिल को पा सकेगा अगर कोई रहे नुमा नहीं है, कि वो ना मंजिल को पा सकेगा। और बतौर ख़ास ये शेर सुनिएगा। ए मंजिले आखरत के राही सिवा भटकने के क्या मिलेगा, मंजिले आखरत के राही सिवा भटकने के क्या मिलेगा, कोई ताल्लुक कोई वसीला अगर कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक कोई वसीला अगर कोई वास्ता नहीं है। और ये शेर बतौर ख़ास सुनिएगा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में। वो पास बाने हरम अबूता लिबे जरी है जो कह रहा है, वो पास बाने हरम अबूता लिबे जरी है जो कह रहा है, सताने वाले ये समझ ले मुहाफिज़े मुस्तफा नहीं है, सताने वाले न ये समझ ले मुहाफिज़े मुस्तफा नहीं है। और ये शेर बतौर ख़ास सुनिएगा। कि जो छल के पर्दे से आ रही है वो रोशनी ये बता रही है, तज़मीन का शेर है। जो छल के पर्दे से आ रही है वो रोशनी ये बता रही है, जहाँ में है जल वह मोहम्मद चराग हशमत बुझा नहीं है, जहाँ में है जल वह मोहम्मद चराग हशमत बुझा नहीं है। और बतौर ख़ास सिर्फ दो शेर की ज़हमत। और जो कह रहा हो रसूल अकरम भी एक बशर है उन्हीं के जैसे, जो कह रहा हो रसूल अकरम
भी एक बशर हैं उन्हीं के जैसे, वो एक दिल बे धड़क कहेंगे कहीं वजूदे खुदा नहीं है, वो एक दिल बे धड़क कहेगा कहीं वजूदे खुदा नहीं है। और आखिरी शेर करबला के हवाले से पूरी तवज्जो चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हैं हुसैन वाले शिकार, जहाँ जहाँ हैं हुसैन वाले शिकार जुल्मों सितम में अब तक, जहाँ जहाँ हैं हुसैन वाले शिकार जुल्मों सितम में अब तक, अभी तलक उन यजीदियों को हुसैनियत का पता नहीं है, अभी तलक उन यजीदियों को हुसैनियत का पता नहीं है, जो राह हक की तलाश में है उसे ये शायद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का और ख़ास तौर से रांची की अज़ादारी का और मेरे भाई अमोद अब्बास साहब का जिन्होंने मुझे मौका दिया। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब जिना ज़फ़राबादी साहब, जो कि बेहतरीन अशार से आपको नवाज़ रहे थे, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन लबो लहजा के शायर थे। आइए हजरात, अब मैं सुल्तानपुर की सरजमीन पे आपको ले चलता हूँ। वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब, जो कि बेहतरीन आवाज़ के मालिक भी हैं, बेहतरीन कलाम भी है और बेहतरीन अदायगी भी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर महजूर होंगे और मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, सुल्तानपुर की सरजमीन पर चलता हूँ आपको लेकर और उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब से कि आज की महफिल में मदह मौला में अशार पेश करें, एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजहुम। हज़रात मोमिनीन किराम सलामु अलैकुम। कोशिश गुरु रांची की कोशिशों का नतीजा है कि जो ज़िक्र अहले बैत की सआदत नसीब हो रही है, मैं बेहद ममनून मुतशक्किर हूँ कोशिश गुरु रांची का और शिया चैनल का कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया और मुझे ज़िक्र अहले बैत की सआदत नसीब हुई। जनाब अबू तालिब के हवाले से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मैं जनाब अबू तालिब की बारगाह में चंद अशार पेश कर रहा हूँ। लिहाजा फरमाए तमामी मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश है कि एक मतलब चंद अशार जनाब अबू तालिब की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। मतलब हाजिर खिदमत है। अलम की शान और शमशीर की पहचान होते हैं, अलम की शान और शमशीर की पहचान होते हैं, अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं, अबू तालिब के इमाम पर वही उंगली उठाते हैं, अबू तालिब के इमाम पर वही उंगली उठाते हैं, जो अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान होते हैं, जो
अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान होते हैं। शेर मुलादा करेंगे कि अबू तालिब के चौखट की गुलामी जिनको मिल जाए, अबू तालिब के चौखट की गुलामी जिनको मिल जाए वो अपने दौर के सबसे बड़े सुल्तान होते हैं। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। हमें इमरान के दर से करम की भीख मिलती है, हमें इमरान के दर से करम की भीख मिलती है। कहाँ हम गैर के शर्मिंदे एहसान होते हैं। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। गरीबी उनके दरवाजे पा दस तक दे नहीं सकती, मुलाजा करेंगे गरीबी उनके दरवाजे पा दस तक दे नहीं सकती। हसन के नाम से जिस घर में दस्तरखान होते हैं, हसन के नाम से जिस घर में दस्तरखान होते हैं। ये शेर बतौर खास मादा कीजिएगा कि मैं घर के गोशे गोशे में तबर्रा करता रहता हूँ, मैं घर के गोशे गोशे में तबर्रा करता रहता हूँ। सुना है जब से ये दीवार के भी कान होते हैं, सुना है जब से ये दीवार के भी कान होते हैं। वो जन्नत के घरों दे खुद बनाकर बेच देते हैं, वो जन्नत के घरों दे खुद बनाकर बेच देते हैं। अली के चाहने वाले बड़े धनवान होते हैं, अली के चाहने वाले बड़े धनवान होते हैं। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। अबू तालिब की अजमत को विकार अब कौन समझेगा, अबू तालिब की अजमत को विकार अब कौन समझेगा। अबू तालिब के फिक्रे आयते कुरान होते हैं। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। शुक्रिया।
जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वक़ार सुल्तानपुरी साहब बेहतरीन अशार से नवाज रहे थे, मौला सलामत रखें। आइए हजरात, बिना किसी तमहीद के मैं लखनऊ की सरजमीन पर चलता हूँ और वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शायर अहले बैत जनाब आज़ादार आज़मी साहब, जो कि मशहूर व मारूफ शायर हैं, बेहतरीन कलाम लिखते हैं, बेहतरीन आवाज़ है। आइए उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि मधे मौला में अशार पेश करें, एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब आज़ादार आज़मी साहब का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सामाईन इकराम सलामुन अलैकुम, आपको इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और कोशिश ग्रुप रांची का शुक्रगुजार हूँ, उन्हीं ने मुझको याद किया और आमू दप्पा साहब की कोशिशों का नतीजा कि मैं हाजिर हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया साहब आमू भाई आपका भी। अब एक कथा और एक मसला और छंद शेर और जल्दी जल्दी के और समझे और भी जहाँ पढ़ना है फौरन जो कथा मुनादा किएगा। अहले ईमानी इसलिए करते हैं काबे का तवाफ, गोद में काबे की शर्मा या अबू तालिब कहे, इनका नस्ली सिलसिला मिलता है इब्राहिम से, जो मोहम्मद का वही शजरा अबू तालिब का है, जो मोहम्मद का वही शजरा अबू तालिब कहे। अब यहां से एक मसला और चंद शेर मसला मुहैदा किएगा, देखिएगा आज तवज्जो बहरल सादे सादे से शेर हैं, अहले राजी तवज्जो करें मुहैदा करें। बहरल सरवर के लहू में है नकहत अबू तालिब की, सरवर के लहू में है नकहत अबू तालिब की, ये खाक शिफा भी है हजरत अबू तालिब की, ये खाक शिफा भी है हजरत अबू तालिब की, ये खाक। और शेर यहां से मुलादा किएगा, देखिएगा बस छह सात से सात आठ शेर मेरा ख्याल से मुलादा किएगा। जहरा सी बहू दे दी फर्जंद अली जैसा, जहरा सी बहू दे दी फर्जंद अली जैसा, माबूद ने जब लिखी किस्मत अबू तालिब की, माबूद ने जब लिखी किस्मत अबू तालिब की, नाबूद ने जब लिखी। ये भी शेर देखिएगा, हम जिक्र भी करते हैं इनका तो वजू करके, हम जिक्र भी करते हैं इनका तो वजू करके, कुरान के जैसी है अजमत अबू तालिब की, कुरान के जैसी है
अजमत अबू तालिब की। ये शेर देखिएगा, मुलादा की का शेर, दो नूर के टुकड़ों को परवान चढ़ाया है, दो नूर के टुकड़ों को परवान चढ़ाया है, किस दर्जा है नूरानी खिदमत अबू तालिब की, किस दर्जा है नूरानी खिदमत अबू तालिब की, किस दर्जा है नूरानी खिदमत अबू तालिब की, ओ कुर्बानियां दे देकर, कुर्बानियां दे देकर पाला है रिसालत को, कुर्बानियां दे देकर पाला है रिसालत को, इस्लाम न भूलेगा, इस्लाम न भूलेगा मेहनत अबू तालिब की, इस्लाम न भूलेगा मेहनत अबू तालिब की, इस्लाम न भूलेगा मेहनत अबू तालिब की। ये शेर की देखिएगा खास तवज्जो शेर के लिए भी, जो साकी कौसर है फरजंद इन्हीं का है, जो साकी कौसर है फरजंद इन्हीं का है, ले जाएगी कौसर तक उल्फत अबू तालिब की, ले जाएगी, ले जाएगी कौसर तक उल्फत अबू तालिब की, ले जाएगी कौसर तक, ओ अजमत के खजाने के दो खास नगीने हैं, अजमत के खजाने के दो खास नगीने हैं, इखलाक मोहब्बत का, इखलाक मोहम्मद का, हैबत अबू तालिब की, इखलाक मोहम्मद का हैबत अबू तालिब की, इखलाक मोहम्मद का। और ये आखिरी दो शेर, दोनों शेरों के लिए खास मख्ता और एक शेर देखिएगा खास तवज्जो, कुफार के मजमे में लब खोलते देखा है, कुफार के मजमे में लब खोलते देखा है, कुरान के जिगर में है हिम्मत अबू तालिब की, कुरान के जिगर में है हिम्मत अबू तालिब की, कुरान के जिगर में है हिम्मत अबू तालिब की, ओ अजमी मेरी आंखों में शब्बीर का रोजा है, अजमी मेरी आंखों में शब्बीर का रोजा है, या देख के आया हूं जन्नत अबू तालिब की, या देख के आया हूं जन्नत। नारे सलवात खुदा।
सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह। ये थे मोहतरम अज़ादार आज़मी साहब जो कि लखनऊ की सरजमीन से हमारे साथ मौजूद थे और मदे मौला में बारगाह अबू तालिब में अशार पेश कर रहे थे। आइए हजरात अब कनाडा की सरजमीन पर चलते हैं और वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इफ्तिखार मेहंदी रिजवी साहब जो कि मोहताज तारुक नहीं हैं, बेहतरीन अदीब हैं, बेहतरीन नाजिम भी हैं। आप अक्सर उनको कायम टीवी कनाडा पर निजामत करते हुए या होस्ट करते हुए देखा करते हैं और मधे मौला में भी आजकल बड़ी मसरूफियत रहती है इनकी। मैं उनकी खिदमत में चलता हूँ मोहतरम जनाब इफ्तिखार मेहंदी रिजवी साहब जो कि कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मधे मौला में अशार पेश करें। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से जनाब इफ्तिखार मेहंदी रिजवी साहब का इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام مومنین و مومنات کو افتخار مہدی رضوی کینیڈا کی جانب سے جشن ابو طالب علیہ السلام مبارک ہو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ اس موقع پر میں ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہات کا طالب ہوں۔ بالکل نیا کلام ہے جو کہ انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے بھیجا ہے اور میں اسی کو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، کہیں کوتاہی ہو تو معذرت خواہوں۔ اسلام کی صدا ہے ارمان ابو طالب کا، اسلام کی صدا ہے ارمان ابو طالب کا، اسلام کی صدا ہے ارمان ابو طالب کا، کیا بھول بھی سکے گا احسان ابو طالب کا، کیا بھول بھی سکے گا احسان ابو طالب کا۔ رہتے ہیں جس میں سچ ہے جنت کے شاہزادے، رہتے جس میں سچ ہے جنت کے شاہزادے، پر نور کس قدر ہے ایوان ابو طالب کا، پر نور کس قدر ہے ایوان ابو طالب کا، کیا بھول بھی سکے گا ایسا ابو طالب کا، اسلام کی صدا ہے ارمان ابو طالب کا۔ شعر دیکھیے گا، فرزند کل ایمان اسلام کی جو جان ہے، فرزند کل ایمان، فرزند کل ایمان، فرزند کل ایمان، اسلام کی جو جان ہے، اس طرح ہی سے سمجھو ایمان ابو طالب کا، اس طرح ہی سے سمجھو ایمان ابو طالب کا، کیا بھول بھی سکے گا ایسا ابو طالب کا، اسلام کی صدا ہے ارمان ابو طالب کا۔ اخلاق و زہد و تقویٰ، علم و ہنر کا جذبہ، اخلاق و زہد و تقویٰ، علم و ہنر کا جذبہ، دراصل بس یہی ہے سامان ابو طالب کا، دراصل بس یہی ہے سامان ابو طالب کا، کیا بھول بھی سکے گا ایسا ابو طالب کا، اسلام کی
सदा है अरमाबू तालिब का, और गुर्बत में काम आए जो शख्स हर किसी के, गुर्बत में काम आए, गुर्बत में काम आए, गुर्बत में काम आए जो शख्स हर किसी के, वो शख्स हो सकेगा महबूब तालिब का, वो शख्स हो सकेगा महबूब तालिब का, क्या भूल भी सकेगा ऐसा अबू तालिब का, इस्लाम की सदा है अरे महबूब तालिब का। और आखिर शेर पे शरबत है, ईमान के जवाहिर रोशन हो जिसमें आकर, ईमान के जवाहिर रोशन हो जिसमें आकर, पुर नूर किस कदर है दामाबू तालिब का, पुर नूर किस कदर है दामाबू तालिब का, इस्लाम की सदा है अरे महबूब तालिब का। सुभानअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब इफ्तिकार मेहंदी रिज़वी साहब, जो कि बारगाह अबू तालिब में मंजूम नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। आइए हजरात, अब मैं बिना किसी तमीज के एक बेहतरीन शायर के पास आपको ले चलता हूँ, जो कि एक लाजवाब आवाज़ के मालिक हैं। बेहतरीन आवाज़ है, बेहतरीन लबो लहजा है, बेहतरीन अंदाज़ है उनका। मेरी मुराद है जनाब सलीम बलरामपुरी साहब की खिदमत में। नौजवान शायर हैं और बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं, यकीनन आप महजूज़ होंगे उनको सुनकर। मैं उनकी खिदमत में चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ, मोहतरम जनाब शायर अहले बैत जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, कि वो मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फाज़। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस जश्न की सबसे पहले आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद अशआर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से पेश कर रहा हूँ, और उसके बाद आज के जश्न के हवाले से सरकार अबू तालिब की बारगाह में एक मतला और चंद अशआर आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मतला और दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाएं। एक दुरूद पढ़ते हैं आप सब हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज। जश्न जिब्रील मनाओ के हुसैन आए हैं, जश्न जिब्रील मनाओ के हुसैन आए है, बाबे जहरा को सजाओ के हुसैन आए है, बाबे जहरा को सजाओ के हुसैन आए है। दिल ये करता है क्या कुरान से करूं फरमाइश, दिल ये करता है क्या कुरान से करूं
فرمائش منقبت کوئی سناؤ کہ حسین آئے ہیں منقبت کوئی سناؤ کہ حسین آئے منقبت کوئی سناؤ کہ حسین آئے ہیں. شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے ناظرین. اپنی پرواز بھی لے جائے سنہرے پر بھی اپنی 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 پرواز بھی لے جائے سنہرے پر بھی کوئی فطر اس کو لے آؤ کہ حسین آئے ہیں. کوئی فطر اس کو لے آؤ کہ حسین آئے ہیں. اب مکتبی ملاحظہ فرمائے ناظرین. ملک الموت بھی آئیں گے تو کہہ دوں گا سلیم. ملک الموت بھی آئیں گے تو کہہ دوں گا سلیم. آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے ہیں. آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین یہاں سے ایک مطلع چند اشعار سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں. ملحظہ فرمائے شاید کسی لائق ہو. جس نے بھی تمہیں دل سے پکارا ابو طالب, جس نے بھی تمہیں دل سے جس نے بھی تمہیں دل سے پکارا ابو طالب, حیدر نے دیا اس کو سہارا ابو طالب, حیدر نے دیا اس کو. پڑھنا ہے مسلمانوں کو دو ناموں کا کلمہ, پڑھنا ہے مسلمانوں کو دو ناموں کا کلمہ, دو محسن اسلام خدیجہ ابو طالب, دو محسن اسلام. اب ملاحظہ فرمائے حضرات.
कुरान है जिस तरह से एक नुक्ते बामे, कुरान है जिस तरह से एक नुक्ते बामे, है बारह कसीदों का कसीदा अबू तालिब, है बारह कसीदों का। फिर नूरे मोहम्मद में नहाएगा जमाना, फिर नूरे मोहम्मद में नहाएगा जमाना, फिर आएंगे दुनिया में दोबारा अबू तालिब, फिर आएंगे दुनिया में। ओ हो जाए हमें बारा इमामों की ज़ियारत, हो जाए हमें बारा इमामों की ज़ियारत, एक बार दिखा दीजिए चेहरा अबू तालिब, एक बार दिखा दीजिए। और ये शेर भी देखेंगे नाज़रीन, काफिर जो तुझे कहते हैं और खुद को मुसलमान, काफिर जो तुझे कहते हैं और खुद को मुसलमान, क्या जाने वो ईमान का इमला अबू तालिब, क्या जाने वो ईमान का। तो नाज़रीन ये मेरा पसंदीदा शेर है, मुलाजा फरमाए, ये इश्क मोहम्मद की है सबसे बड़ी पहचान, ये इश्क मोहम्मद की है सबसे बड़ी पहचान, याद आए अगर हद से ज्यादा अबू तालिब, याद आए अगर हद से। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप सब हज़रात को मेरा कलाम अच्छा लगा हो तो आप सब हज़रात मेरे मरहूम वालिदैन के बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ दिएगा। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सुभानअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। यकीनन जितनी भी तारीफ़ की जाए जनाब सलीम बलराम गूरी साहब की वो कम है, बेहतरीन आवाज़ बेहतरीन कलाम। मौला कबूल करें आपकी इस हाज़री को, मौला कबूल करें। आइए हजरात अब बिना किसी तमीज के लंदन की सरजमीन पर चलते हैं, वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़र अब्बास इरफान साहब, जो कि लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी खिदमत में चलते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि बारगाह अबू तालिब में बारगाह मोहसिन इस्लाम में मंजूम नजराने अकीदत का सिलसिला पेश करें, एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज। सलामुन अलैकुम, आप सबको जश्न मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब अलैहि सलाम बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अमूद अब्बास साहब का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी इस सवाब में शामिल हो सकूँ, और अमूद भाई की मोहब्बत और इनके खुलूस
को देखते हुए, हालांकि मेरा कलाम तैयार नहीं था, लेकिन इनकी मोहब्बत मैंने चंद अशआर कहने की कोशिश की है जो मैं आप सबके पेश खिदमत कर रहा हूँ। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मतला पेश खिदमत है कि क्या बताऊं आपको, क्या क्या अबू तालिब का है, क्या बताऊं आपको, क्या क्या अबू तालिब का है, खाने हक की कसम का बाबू तालिब कहे, खाने हक की कसम का बाबू तालिब कहे। के कम सिनी में बाप का साया तो उठा है, मगर कम सिनी में बाप का साया तो उठा है, मगर मुस्तफा पर बाप का साया अबू तालिब का है, मुस्तफा पर बाप का साया अबू तालिब का है, उसके हक में अहमद मुख्तार करते हैं दुआ, उसके हक में अहमद मुख्तार करते हैं दुआ, जो जहां में चाहने वाला अबू तालिब कहे, जो जहां में चाहने वाला अबू तालिब कहे, अरे सारे आलम का जो है मुश्किल कुशा हाजत रवा, सारे आलम का जो है मुश्किल कुशा हाजत रवा, वो अली शेर खुदा बेटा अबू तालिब कहे, वो अली शेर खुदा बेटा अबू तालिब कहे, जो है वजह खिलकते आलम हबीबे किबरिया, जो है वजह खिलकते आलम हबीबे किबरिया, वो मोहम्मद गोद का पाला अबू तालिब कहे, वो मोहम्मद गोद का पाला अबू तालिब कहे, अरे हैदर करार से ता कायम महदी ये हक, हैदर करार से ता कायम महदी ये हक, वारिसे इल्मे नबी कुन बाबू तालिब कहे, वारिसे इल्मे नबी कुन बाबू तालिब कहे। और ये मख्ता पेशे खिदमत है कि तरबियत
तरबियत की इस तरह इरफान के अजदाद ने, तरबियत की इस तरह इरफान के अजदाद ने, ये अजल से मानने वाला अबू तालिब कहे, ये अजल से मानने वाला अबू तालिब कहे। क्या बताऊं आपको क्या क्या अबू तालिब कहे। सलवात पर मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह। ये थे जनाब ज़फ़र अब्बास इरफान साहब, जो कि लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। आइए हज़रात, बिना किसी तमहीद के मैं आपको एक उस्ताद शायर के पास ले चलता हूँ, जो कि मोहताज तारुफ नहीं है। जनाब शमीम इलाहाबादी साहब की खिदमत में मैं चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि बारगाह अबू तालिब में, बारगाह मौला में मंजूब नजराने अकीदत पेश करें। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से जनाब शमीम इलाहाबादी साहब का इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजों। नाज़रीन साहब अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, सबसे पहले मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हज़रात को, और यहाँ से इन चार मिसों से बारगाह जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम में नजराने अकीदत पेश करता हूँ कि बावफा देखें कि बेवफा जमाने में बावफा अबू तालिब, बेवफा जमाने में बावफा अबू तालिब, मुनफरिद नजर आए बाखुदा अबू तालिब, मुनफरिद नजर आए बाखुदा अबू तालिब, और हैं वफा की दुनिया के बादशाह बस दो ही, एक चचा सकीना का एक चचा अबू तालिब, हैं वफा की दुनिया के बादशाह बस दो ही, एक चचा सकीना का एक चचा अबू तालिब, एक चचा सकीना का एक चचा अबू तालिब। ये देखें कि दावते अशीरा से करबला के मैदान तक, मिसरे हाजिर करता हूँ कि दावते अशीरा से करबला के मैदान तक हर कदम रहे दी के पासबा अबू तालिब, दावते अशीरा से करबला के मैदान तक हर कदम रहे दी के पासबा अबू तालिब, दीने मुरसले आजम कब के मिट गया होता गर न आ गए होते दरमिया अबू तालिब, दीने मुरसले आजम कब के मिट गया होता गर न आ गए होते दरमिया अबू तालिब। शेर हाजिर करता हूँ कि अजमत अबू तालिब वो समझ नहीं सकते, देखें कि गर न आ गए होते दरमिया अबू तालिब, तो अजमत अबू तालिब वो समझ नहीं सकते, सोचिए कहाँ वो हैं और कहाँ अबू तालिब, अजमत अबू तालिब वो समझ नहीं सकते, सोचिए कहाँ वो हैं और कहाँ अबू तालिब। असाद एक मतलब ये दो तीन अशार ये हासिल करता हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। अर्ज करता हूँ कि हर एक लम्हा मेहरबान है अबू तालिब, मतलब मुलाहजा फरमाएं कि हर एक लम्हा मेहरबान है अबू तालिब, रसूल हक के निगहबान हैं अबू तालिब, हर एक लम्हा मेहरबान हैं अबू तालिब, रसूल हक के निगहबान हैं अबू तालिब, कहीं पे दी की हिमायत कहीं नबी की मदद, कहीं पे दी की हिमायत कहीं नबी की मदद, तमाम आपके एहसान हैं अबू तालिब, तमाम आपके एहसान हैं अबू तालिब, कहीं पे दी की हिमायत कहीं नबी की मदद, तमाम आपके एहसान हैं अबू तालिब। शेर आजगतों की वो जिस पे कुफर के फतवों का कुछ असर न हुआ, वो जिस पे कुफर के फतवों का कुछ असर न हुआ, वो सब्र व शुक्र की चट्टान है अबू तालिब, वो जिस पे कुफर के फतवों का कुछ असर न हुआ, वो सब्र व शुक्र की चट्टान है अबू तालिब। शमीम मेहमान नवाजी में कुछ कमी न रहे कि आज आपके मेहमान हैं अबू तालिब,
शमीम मेहमान नवाजी में कुछ कमी न रहे कि आज आपके मेहमान हैं अबू तालिब, कि आज आपके मेहमान हैं अबू तालिब। सिलसिले के आखिरी बस चंद अशआर हाजिर खिदमत है, मुलाहिजा कीजिए। अर्ज करता हूँ कि आओ आओ मिल के करते हैं मिधते अबू तालिब, आओ मिल के करते हैं मिधते अबू तालिब, आज कुछ तो हो जाए खिदमते अबू तालिब। आओ मिल के करते हैं मिधते अबू तालिब, आज कुछ तो हो जाए कुछ तो हो जाए खिदमते अबू तालिब। साथ लेके जाना है हश्र में मुसलमानों कलमाए मोहम्मद और उल्फते अबू तालिब, साथ लेके जाना है हश्र में मुसलमानों कलमाए मोहम्मद और उल्फते अबू तालिब। शेर हाजिर करता हूँ कि दीने हक पे आई हैं काम सिर्फ दो चीजें, दीने हक पे आई हैं काम सिर्फ दो चीजें, दौलते खदीजा और इतरते अबू तालिब। दीने हक पे आई हैं काम सिर्फ दो चीजें, दौलते खदीजा और इतरते अबू तालिब। हर तरफ से आती है बस सदा अजानों की, हर तरफ से आती है बस सदा अजानों की, कितनी रंग लाई है मेहनते अबू तालिब, कितनी रंग अदब कितनी रंग लाई है मेहनते अबू तालिब, कितनी रंग लाई है मेहनते अबू तालिब। शेर हाजिर करता हूँ हजरत, मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि मिधते अबू तालिब, मिधते अबू तालिब बस उन्हीं से होती है, मिधते अबू तालिब बस उन्हीं से होती है जिनके दिल में रहती है उल्फते अबू तालिब। मिधते अबू तालिब बस उन्हीं से होती है, बस उन्हीं से होती है जिनके दिल में रहती है उल्फते अबू तालिब। लाडली मोहम्मद की हो गई बहू इनकी, लाडली मोहम्मद की हो गई बहू इनकी, देख ले जमाना ये किस्मते अबू तालिब, देख ले जमाना ये किस्मते अबू तालिब। और कुफ्र अब जमाने में सर उठा नहीं सकता, कुफ्र अब जमाने में सर उठा नहीं सकता, इस तरह से छाई है हैबते अबू तालिब, इस तरह से छाई है हैबते। कुफ्र अब जमाने में सर उठा नहीं सकता, इस तरह से छाई है हैबते अबू तालिब। शेर हाजिर देखेंगे इस तरह से छाई है हैबते अबू तालिब। और हम शमीम, हम जबी शमीम अपनी हर जगह नहीं रखते, हम जबी शमीम अपनी हर जगह नहीं रखते, हमको याद रहती है सीरत अबू तालिब। हम जबी शमीम अपनी हर जगह नहीं रखते, हम जबी शमीम अपनी हर जगह नहीं रखते, हमको याद रहती है सीरत अबू तालिब, हमको याद रहती है सीरत अबू तालिब। सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब शमीम इलाहाबादी साहब, जो कि बेहतरीन अशार से आपको नवाज रहे थे। आई हजरात, अब हमारी महफिल जो है अख्तिताम पजीर होने वाली है, और मक्ताए महफिल हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, जो कि इलाहाबाद से हमारे साथ अपने घर से मौजूद हैं। मैं उनकी खिदमत में चलता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि बारगाह अबू तालिब में मंजूब नजराने अकीदत पेश करें। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से डॉक्टर नायाब बलियावी साहब का इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान कुरान से साबित, इस नज़्म में इसी बात की रियायत। मुलादा फरमाई, पना में कुफर क्यों कर जुमले बेजान ले आओ, कुफूर क्यों कर जुमले बेजान ले आओ। अबू तालिब
ابو طالب کے ماں کے لیے قرآن لے ہے کیا ایمان ابو طالب کا اس سے فیصلہ ہوگا ہے کیا ایمان ابو طالب کا اس سے فیصلہ ہوگا کس کے واسطے تم تخسر المیزان لے آؤ ابو طالب کے ماں کے لیے قرآن لے آؤ. شعر دیکھیے ملادہ فرمائیے. ابو طالب کے بچوں کا مقابل ڈھونڈنے والوں تمہیں ہے مشورہ کے لولو مر جان لے آؤ ابو طالب کے ماں کے لیے قرآن دے آؤ. شعر دیکھیں ملادہ میں پیش کرتا ہوں قرآن کی رعایت سے شعر. ایمان ابو طالب قرآن سے ثابت. ابو طالب کی ہستی کیسی نعمت ہے دو عالم کی. ابو طالب کی ہستی کیسی نعمت ہے دو عالم کی سمجھنے کو انہیں تم سورہ رحمان لے آؤ سمجھنے کو انہیں تم سورہ رحمان لے آؤ. یہ بھی شعر دیکھیں خاص طور سے. جبھی ہے جس کی بارہ جبھی میں جس کی بارہ اولیاء کا نور ہو پنہا جبھی میں جس کی بارہ اولیاء کا نور ہو پنہا جو شانِ آیا کوثر ہو وہ ذیشان لے آؤ ابو طالب کے ماں کے لیے قرآن لے آؤ. شیر ملاح میں بدل احسان کا احسان ہی ہوگا حقیقت میں بدل احسان کا احسان ہی ہوگا حقیقت میں ابو طالب کے جیسا دہر میں احسان لے آؤ ابو طالب کے ماں کے لیے قرآن لے آؤ. شیر ملاح میں ہو جس کے گود کے پالے نبی آ کے ولی اللہ ہو جس کے گود کے پالے نبی آ کے ولی اللہ ابو طالب کے جیسا صاحب ایمان
जान ले आओ अबू तालिब के माँ के लिए कुर्बान ले आओ। ये भी शेर देखें, खास तौर से पेश करता हूँ मुलाजफ हमारे। खुदा जिसके अमल को कह दे पर जस्ता अमल अपना, खुदा जिसके अमल को कह दे पर जस्ता अमल अपना, अबू तालिब के जैसा शान यल तकियान ले आओ, अबू तालिब के ईमान के लिए कुरान ले आओ। शेर ब्लॉक में ये पेश करता हूँ। मुखालिफ है अबू तालिब के बुलहबी है सदियों से, जो तोड़े दस्ते जुल्मो चोर वो सुल्तान ले आओ, जो तोड़े दस्ते जुल्मो चोर वो सुल्तान ले आओ। मुखालिफ है अबू तालिब के बुलह भी है सदियों से, जो तोड़े दस्ते जुल्मो चोर वो सुल्तान ले आओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चंद अशआर मुलाज़ा फरमाइए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में। है तेरी ज़ात से जो बेखबर अबू तालिब, है तेरी ज़ात से जो बेखबर अबू तालिब, वो कलमा पढ़ के भी है फितनावर अबू तालिब, वो कलमा पढ़ के भी है फितनावर अबू तालिब। तेरे अमल को खुदा कह रहा है अपना अमल, तेरे अमल को खुदा कह रहा है अपना अमल, है पुरवकार तुम्हारी डगर अबू तालिब, है पुरवकार तुम्हारे डगर अबू तालिब। शेर ब्लॉक में खास तौर से पेश करता हूँ। कलाम हक की नजर में वो कुफ्र ज्यादा है, कलाम हक की नजर में वो कुफ्र ज्यादा है, करे जो शक तेरे ईमान पर अबू तालिब, करे जो शक तेरे ईमान पर अबू तालिब। कलाम हक की नजर में वो कुफ्र ज्यादा है, करे जो शक तेरे ईमान पर अबू तालिब। तुम्हें समझता है काफिर वही ये सच है कि जो, तुम्हें समझता है काफिर वही ये सच है कि जो हसब नसब में नहीं मोतबर अबू तालिब, हसब नसब में नहीं मोतबर अबू तालिब। शेर देखें खास तौर से। जो सिन्फ़े नात है सरवर के आशिकों के लिए, जो सिन्फ़े नात है सरवर के आशिकों के लिए, तुम्हारा बख्शा हुआ है हुनर अबू तालिब, तुम्हारा बख्शा हुआ है हुनर अबू तालिब।
जो सिंफ नात है, जो सिंफ नात सरवर के आशिकों के लिए तुम्हारा बख्शा हुआ है हुनर अबू तालिब है तेरी जात से जो बेखबर अबू तालिब वो कलमा पढ़ के भी है फितनावर अबू तालिब। ये भी शेर देखें खास तौर से, हो परवरिश भी हिफाजत के साथ अहमद की, हो परवरिश भी हिफाजत के साथ अहमद की, कठिन था कितना तुम्हारा सफर अबू तालिब, कठिन था कितना तुम्हारा सफर अबू तालिब। और ये शेर खास तौर से, ये मानिए कि जो जैसा था कुलिया ये है, ये मानिए कि जो जैसा था कुलिया ये है, उसे भी वैसे ही आए नजर अबू तालिब, उसे भी वैसे ही आए नजर अबू तालिब। है बारह नूर हिदायत के ज़ौफ़-ए-शाह जिसमें, है बारह नूर हिदायत के ज़ौफ़-ए-शाह जिससे, है बारा नूर हिदायत के ज़ौफ़-ए-शाह जिससे, जबीन तेरी है यूं जलवा घर अबू तालिब, जबीन तेरी है यूं जलवा घर अबू तालिब, है तेरी ज़ात से जो बेखबर अबू तालिब वो कलमा पढ़ के भी है फितनावर अबू तालिब। खुदा के दीन की सूरत बदल गई होती, खुदा के दीन की सूरत बदल गई होती, न होता तेरा जो एहसान अगर अबू तालिब, न होता तेरा जो एहसान अगर अबू तालिब। शुक्रिया, नवाजिश। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। हज़रात, मैं सभी नाज़रीन, सभी सामईन, सभी मेहमान शोराए किराम और उलमाए किराम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। कोशिश ग्रुप ऑफ रांची की तरफ से भी और शिया चैनल रायबरेली की तरफ से, और ख़ुसूसन शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अमूद अब्बास साहब की तरफ से भी, मैं सभी मेहमान शोराए किराम का और सभी सामईन का, सभी व्यूअर्स का जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और मेहमान शोराए किराम का भी और मौलाना तहज़ीबुल हसन रिज़वी साहब का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मौला सभी की हाज़िरी को कबूल करें और सभी के लिए दुआगो हूँ कि सभी की तौफीकात में मौला इजाफा करें। आइए हजरात, अब मैं एक ऐलान और शिया चैनल की तरफ से ये गुजारिश की जा रही है कि यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके से ज़्यादा दीनी खिदमात को अंजाम दिया जा सके। इंशाल्लाह फिर एक किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी दीनी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इल्तमास से दुआ।